वो आगे खदेड़ा जा रहा है, लेकर के जाया जा रहा है ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे, यहाँ पर व्यवस्था बनी रहे। हम भी यहाँ पर सावधानी पूर्वक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में माहौल ना बिगड़े इसकी भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये देखिए कि बच्चन दल के कार्यकर्ता मौजूद है, मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और जो उदयपुर में घटना हुई है उसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विकास, हम भी आगे बढ़ते हुए आगे तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी, सीआरपीएफ मौजूद है और आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस इनको हिरासत में ले रही है। माता की जय की यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है, पहले से ही पुलिस ने तैयारी की थी और लगातार अनाउंसमेंट। ऐसे कई उदाहरण पहले भी हैं जहां पर एक के बाद दूसरी घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उदयपुर में जो घटा उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि राजस्थान जो एक शांति प्रिय राज्य है, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से फेल हुई है, उसका एक बड़ा उदाहरण गहलोत जी की सरकार में दिखता है। 7 दिन पहले एक वीडियो जारी किया गया, उसके बाद बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, मूक दर्शक बन के सरकार बैठी रही। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था को ठप कर दिया गया, आतंकवाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए, एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में पैदा किया गया। आखिरकार कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से लेकर गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। और मैं कहना चाहता हूँ, आपसी लड़ाई के चलते वहाँ पर कानून व्यवस्था ठप है, सरकार ना के बराबर है। और अब जब NIA की जांच हो रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है तेजी से उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और जांच की रिपोर्ट भी जल्दी आएगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर भारी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, यहां पर विरोध कर रहे हैं जो उदय पर हुआ, उसकी यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए इसमें लिखा है ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को हम तालिबान नहीं बनने देंगे। यहां पर लगातार पुलिस अपील कर रही है कि ये लोग यहां से चले जाएं, क्योंकि धारा 144 यहां पर नई दिल्ली में लागू है, ऐसे में लोग यहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यहां पर माहौल शांतिपूर्ण रहे, आप धार्मिक सौहार्द बना रहे, इसकी तमाम कोशिशें हैं। उधर विकास तस्वीरें दिखा देते हैं, उधर हम चलते हैं। ये आप देखिए कि यहाँ पर वैसे आमतौर पर भी बैरिकेडिंग रहती है, लेकिन इस बार सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को समझाते हुए आगे विकास आप आइए, यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, सीआरपीएफ की